जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC की जो लेटेस्ट या रिसेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी UKPSC और UKSSC दोनों की अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मैथ्स, हिंदी रीजनिंग और उत्तराखंड GK वगैरह सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। बीएड, डीएलएड और सीटेट, यूटेट वाले भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले नोटिफिकेशन से आप देख पाएंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि किसका रिजल्ट आया, किसका एडमिट कार्ड आया, किसका क्या लिंक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है आपका आंसर की एंड ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो RO/RO एग्जाम है उसका प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ा एग्जाम अभी आपका आने वाला है UKPSC में वो है लोअर PCS का एग्जाम, जो कि काफ़ी अच्छा है। अपर PCS के बाद जो एक आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी पदों पर जो भर्ती निकलती है वो लोअर PCS के, जिसमें नायब तहसीलदार के बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। फिर रिजल्ट वाला सेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिसेंट अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी एग्जाम होते हैं आयोग उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट करते हैं, तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये हर एग्जाम के लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देंगी, बेनिफिशियल है ये सारी। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर की हम बात करेंगे, यहाँ पर सारे एग्जाम कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेटेड है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि लोअर PCS का एग्जाम कब है, उसकी टेंटेटिव डेट और उसका जो विज्ञापन है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपने देख दिया होगा क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने का ये फ़ायदा है कि आप कॉल या अन्य जगहों से जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं और व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हैं मेंबरशिप के स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपके आपके जो मैसेज हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि वो सारी चीज़ें मैं वैसे भी रिप्लाई कर देता हूँ, बट जिनने वो मेंबरशिप ले रखी है, जो चैनल के जेन्युइन मेंबर हैं, उनको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। पुलिस, दूर संचार, जिसमें उपाधीक्षक, तो ये पूरा आपने देख रखा है, इसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे चर्चा में। जो मेन चीज़ है वो है हमारा कार्मिक विभाग, कार्मिक वन विभाग। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीन सेवा परीक्षा 2024। देखिए, अवर क्या होता है, अपर तो आपका हो जाएगा अपर PCS, ये अवर होता है आपका लोअर PCS। 11 मई को प्रारंभिक परीक्षा यानी कि इसका जो प्री है वो आपका 11 मई को होगा, क्योंकि इसके सिलेबस और जो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर बदलाव की चर्चाएं चल रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो गया था। और उसका नोटिफिकेशन और वीडियो भी मैंने बताई थी कि अब सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। उत्तराखंड के दो पेपर वहाँ पर आपके जुड़ चुके थे, तो मान लीजिए आपका 11 मई है, तो इसका जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आपको सारी जानकारी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, बहुत सारे अच्छे पद हैं इसमें, तो लगातार तैयारी करते रहिए। अगर आपका प्री निकल जाता है तो आप लगभग 1500-2000 लोग ही उसके लिए क्या है फाइट करते हैं, तो निकलने का जो सिलेक्शन है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, बट जेन्युइन तैयारी की आपको यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, तो ये है आपका। फिर उसके बाद जो ये स्टार मार्क आपको देखने को मिल रहा है पोस्ट ऑफ ईयर के बाद, 24 के बाद, तो ये इसी के लिए दिया गया है कि इनका अभी जो आपका विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे फिर वन क्षेत्राधिकारी एवं लौंगिक अधिकारी, देखिए वन निगम और वन विभाग में ये भर्ती है, तो बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कार्मिक विभाग में आपका प्रारंभिक परीक्षा 29 जून। ठीक है, सिविल प्रवर और अवर, तो लोअर विषय, इन दोनों के आपका एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी एग्जाम की तैयारी करते रहें।